Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So last week, continuous flow of FIIs और falling bond yield के चलते market ने अपना buying momentum intact रखा. हालांकि last week market एक narrow range में trade होता हुआ दिखा. Although last Friday हमने bank Nifty की closing one shade better होते हुए देखी as compared to the Nifty. ऐसे में मार्केट कैसे प्लेस्ड है अगले हफ्ते के लिए लेट्स चेक इट आउट. बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल डू सब्सक्राइब. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द निफ्टी सेटअप. सो टेक्निकली जब हम वीकली चार्ट पर निफ्टी को देखते हैं तो इसने एक स्मॉल रेड कैंडल फॉर्म किया है एंड इन द सेम वे ऑन डेली स्केल इसने एक स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है. इन दैट केस हम नोटिस कर रहे हैं 18,350 से लेकर 18,420 के लेवल के बीच में निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है जो कि कॉल राइटर्स का जोन भी है. अंटिल निफ्टी अपना 18,150 के लेवल को होल्ड करे हुए है इट इज पॉसिबल कि हमें बाय ऑन डिप्स का अप्रोच मेंटेन करना चाहिए. डेरिवेटिव सेटअप पर अगर निफ्टी को देखें तो 18 मई की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पीसीआर मेंटेन है अराउंड 1.09 पर. वही मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 18,300 की स्ट्राइक प्राइस पर. हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की बात करें तो 18,300 की स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में एक अच्छा फाइट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. एज ऑन 18,300 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है अराउंड 62 लाख की, फॉलोड बाय 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट होता हुआ दिख रहा है. वहीं हम नीचे पुट राइटिंग की अगर बात करें तो 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, फॉलोड बाय 18,300 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. अकॉर्डिंगली अगर टेक्निकली और डेरिवेटिव सेटअप को देखा जाए तो ब्रॉड रेंज जो निफ्टी का लगता है अगले हफ्ते के लिए वो नीचे में 18,038 से लेकर ऊपर में 18,522 अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह इंटैक्ट करता हुआ दिखेगा. वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 18,285 इमीडिएट सपोर्ट होगा और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 18,357. दैट इज जो कि कॉल राइटर का एक जोन है. वंस वो कटता है तो 18,357 से 420 के लेवल के बीच में अगेन एक रेजिस्टेंस जोन हमें आता हुआ दिखेगा. लेट्स चेक आउट द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन द निफ्टी. इमीडिएट सपोर्ट अगर 18,285 का टूटता है तो निफ्टी कैन फॉल डाउन अप टू 18,209, 18,128, 18,038 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे. वहीं ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,357 के निकलने पर 18,420, 18,522 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे. कोई भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव वंस हम 18,522 के ऊपर निकलते हैं तो इट्स पॉसिबल कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं निफ्टी पर उसके प्राइस टारगेट आते हुए दिखते हैं अराउंड 18,800 पे. बट उसके बीच में 18,522 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसी के ऊपर कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेटअप. जब बैंक निफ्टी को हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो पिछले 3 हफ्तों से बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में मूव करता हुआ दिख रहा है अराउंड 43,300 से लेकर ऊपर 43,740 के लेवल के बीच में. वहीं अगर हम डेली स्केल पर इसे नोटिस करें तो इसने एक इनडिसाइसिव डोजी फॉर्मेशन क्रिएट किया है ऑन अ डेली चार्ट बट अपने हायर हाई फॉर्मेशन को इंटैक्ट रखा है. ऑन अ डेरिवेटिव सेटअप अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो पीसीआर दिखता है 1.31 पर और मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 43,500 की स्ट्राइक प्राइस पर. हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की बात करें तो 43,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हमने अच्छी पुट राइटिंग होते हुए देखी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, जहां 37 लाख से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा और टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखा बिल्ड होता हुआ अराउंड 47 लाख का ऑन 43,500 की पुट साइड. 43,000 की पुट राइटिंग की अगर बात करें स्ट्राइक प्राइस पर तो ये करीबन 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है. ऊपर में 43,500 पर कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है करीबन 32 लाख की, फॉलोड बाय 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा. सो जब टेक्निकली और डेरिवेटिव सेटअप को टुगेदर देखा जाए तो ब्रॉड रेंज जो अगले हफ्ते के लिए दिखती है वो दिखती है 42,915 से ऊपर में 44,173 जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एक नया हाई होगा इफ वी कैन अचीव दिस ब्रॉड रेजिस्टेंस लेवल. इसके ऊपर निकलने पर ही हम एक बड़ी तेजी की फर्दर उम्मीद कर सकते हैं एक नए रेंज की तरफ.
इमीडिएट रेंज अगर बैंक निफ्टी की देखें तो 43,710 इमीडिएट सपोर्ट होगा और ऊपर में 43,945 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 43,710 के टूटने पर 43,538, 43,303, 42,915 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,940 के निकलने पर 44,093, 44,173 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वंस अगर हम न्यू हाईस को निकाल पाते हैं 44,173, उसके बाद जो जोन ओपन होता हुआ दिखता है वो करीबन 44,636 तक हम बैंक निफ्टी के मूव्स को देख पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द न्यू हाईस ऑफ द बैंक निफ्टी। अब अगर की इवेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक में 15 मई को WPI इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखेगा। वहीं इम्पोर्टेंट की रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, एस्ट्रल और कोरोमंडल इंटरनेशनल फ्रॉम द FNO स्क्रिप्ट्स। Whereas, अगले हफ्ते आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट निफ्टी 50 कंपनीज के रिजल्ट्स में ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और JSW स्टील के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। Now let's talk about the stock recommendation. So stock recommendation में IDFC First Bank is looking good. IDFC First Bank on a monthly chart अपने resistance का breakout दिखाता हुआ दिख रहा है ना, on the same way on a weekly chart too. 65.55 का closing दिया है IDFC First Bank ने। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 69 से 71 के लेवल्स की तरफ स्टॉक मूव होता हुआ दिख सकता है इन अ वीक और टू। 62 के स्टॉप लॉस के साथ वन कैन मेक द पोजीशन फॉर 1 or 2 weeks ड्यूरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द अरिहंस वीकली मार्केट अपडेट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।